हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट साइंस की बुक का चैप्टर फोर्टीन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो देखो क्या है कि योर माइट हैव कॉजेंट यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपके जो एल्डर्स हैं बड़े हैं बड़े बूढ़े घर में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं जैसे कि कूलर हो गया ए हो गया टी हो गया फैन हो गया इनको आप लोग मतलब ऐसे ही मत छूओ अपने गीले हाथों से स्पेशली या फिर नंगे पाओ बिना चप्पल पहने नहीं छूना चाहिए बट डू यू नो वाई इट इज डेंजरस टू टच इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स बट क्या आपको पता है कि क्यों इस तरीके से गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूना गलत है या फिर हमें करंट लग सकता है क्योंकि भाई वो एक कंडक्टर होता है वाटर देखिए हम चले चैप्टर में समझेंगे अच्छे से है ना वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसी चीज़ें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देती हैं उनको हम लोग कहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं कंडक्ट करते हैं मतलब पास होने देते हैं तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। ऑन द अदर हैंड मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसी चीजें जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती जैसे कि वुड हो गया या फिर प्लास्टिक हो गई है ना उसको हम क्या कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास सिक्स में वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मेटल अलाउज़ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट क्लास सिक्स में एक टेस्टर बनाया था कि भाई इसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा या नहीं होगा क्या होगा टेस्टर एक सेल होता है जो नॉर्मली हम लोग रिमोट वगैरह में डालते हैं एक छोटा सा बल्ब है सेल के एक पार्ट से आप बल्ब को कनेक्ट कर दीजिए और एक पार्ट से जो टेस्टर नहीं होता जिसमें हम लोग एक टेस्टर होता है पेचकस जैसा दिखता दिखता है उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं कि दे अगर उसमें लाइट जल जाती है तो हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लग में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है तो ये वी फाउंड दैट द मेटल सच सचेज कॉपर एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों से पूछा जाएगा कि नेम एनी टू मेटल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो कॉपर और एल्यूमिनियम लिख देना ये दो चीजें याद कर लो आप लोग कॉपर एंड एल्यूमिनियम या आयरन ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मटीरियल जैसे कि जो रबर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक हो गया वुड हो गया वो, गया, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं हाउ एवर सो फार वी हैव यूज आर टेस्टेड टू टेस्ट मटीरियल विच आर इन सॉलिड स्टेट हमने ऐसे मटेरियल्स को टेस्ट किया है जो कि सॉलिड स्टेट में थे बट लिक्विड्स के बारे में क्या क्या लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो ये हम लोग देखते हैं कि करते हैं या नहीं करते हैं पहेलियन भूजो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स ऑफ द जनरेटर और एन इन्वर्टर यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर तो कभी भी मेन सप्लाई जो स्विचेस घर में होते हैं उससे में कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए हमेशा सेल जो होता है ना नॉर्मल सा छोटा सा सेल उससे ही सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाने चाहिए डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या सच लिक्विड जो होता है पानी हो गया है ना ये सब क्या इलेक्ट्रिसिटी uh, को कंडक्ट करते हैं टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर तो बिल्कुल सेम जो टेस्टर हमने क्लास सिक्स में देखा था इसी टेस्टर से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर में या फिर लिक्विड में कंडक्ट होती है या नहीं होती है तो uh, ये तो भाई गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर है तो देख लेते हैं है ना तो ये तो भाई हम लोगों को लिक्विड से पास हो रही है या नहीं हो रही है तो हाउ एवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी इस सेल की जगह आप लोग क्या करें एक बैटरी लगा ले ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट तो टेस्टर को हम लोग को देख भी लेना चाहिए कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट वन है देखो ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर तो ये जो टेस्टर है ना ये वाला ये वाला एंड और ये वाला एंड मतलब इस तरीके से आप इनको क्या करिए ज्वाइन कर दीजिए टूगेदर फॉर अ मोमेंट एक मिनट के लिए है थोड़ी देर के लिए आप ज्वाइन कर दीजिए दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो तो बल्ब ग्लो होना चाहिए है ना क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया है टेस्टर इस तरीके से जैसे ये फिगर है इस तरीके से आप लोगों ने कर दिया है तो ये बल्ब ग्लो होना चाहिए हेव एवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स दैट टेस्टर इज नॉट वर्किंग तो टेस्टर काम नहीं कर रहा है अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो तो वही टेस्टर तभी चलता है जब बल्ब ग्लो करता है है ना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो या फिर है ना टेस्टर सही है तो कनेक्शन लूज वूज तो नहीं ये भी चेक कर लेना है और द बल्ब फ्यूज तो नहीं है और योर सेल आपका सेल यूज अप तो नहीं हुआ है चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट इफ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विद अनदर बल्ब अगर बल्ब नहीं चल रहा है आपके सारे कनेक्शन ठीक है तो दूसरा बल्ब लगा दो या फिर बैटरी चेंज कर दो नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विद अ फ्रेश सेल तो बेसिकली हमें एक्टिविटी फोटी पॉइंट वन में बताया गया है कि ये सारे के सारे कनेक्शन करो कनेक्शन सही तरीके से से काम नहीं कर रहा है तो एक बार देख लो कि सेल सही है या बल्ब सही है टेस्टर सही है या नहीं है ठीक है नाउ देट आर टेस्टर इज वर्किंग लेट अस यूज इट टू टेस्ट वेरियस लिक्विड्स अब जबकि टेस्टर हमारा काम कर रहा है तो कई सारे लिक्विड्स को हम लोग टेस्ट करते हैं ठीक है कॉशन वाइज चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन एंड एंड फॉर मोर देन फ्यू सेकंड कुछ ज्यादा सेकेंड ज्यादा टाइम के लिए नहीं आपको एंड जॉइन करने हैं क्योंकि उससे करंट झटका कर वटका आ सकता है और मतलब थोड़ी दिक्कत ये भी हो सकती है और बैटरी जो है वो भी एकदम से खाली हो जाएगी नेक्स्ट फोर्टीन पॉइंट टू एक्टिविटी है कलेक्ट फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल तो जो बॉटल होती है ना हम लोग पेप्सी हम ये सब खरीद लेते हैं तो उसकी जो ऐसे करके कैप वैप होती है ना वो ले लो पोर वन टी स्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन अ कप और एक कप में आप या तो सिरका या फिर लेमन जूस पोर कर लो डाल लो ब्रिंग योर टेस्टर ओवर द कप तो जो आपका कप था ठीक है उस पर आप टेस्टर लेकर के आओ एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस तो एक कप है उसमें आपने ये लेमन जूस है इसमें आप लोगों ने टेस्टर डाल दिया है आ, या फिर विनेगर जो भी है टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन वन सेंटीमीटर अपार्ट बट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर तो एंड्स जो हैं टेस्टर के मतलब ठीक है वो ज्यादा दूर भी ना हो और इतने पास भी ना हो कि एक दूसरे को टच कर लें फिर उसके बाद क्या है डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो के टेस्टर का बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है डज द लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या लेमन जूस से जो है विनेगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है आप लेमन जूस और विनेगर को क्या कंडक्ट करो क्या बोलोगे कि ये पुअर कंडक्टर है या फिर गुड कंडक्टर है तो देखो कि अभी हम लोग इसका आंसर देखते हैं वेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंड ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट तो जो लिक्विड है अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो, तो टेस्टर तो हमारा कंप्लीट मतलब हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो जो करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा सर्किट में और बल्ब ग्लो हो जाएगा वन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज द टेस्टर इज नॉट तो जो है सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा मतलब अगर बल्ब ग्लो कर रहा है यहाँ से तो इसका मतलब हमारा टेस्टर भी सही है और हमारा सर्किट भी सही तरीके से काम कर रहा है तो इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो कई बार लिक्विड कंडक्टिंग मतलब लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है बट बल्ब नहीं ग्लो होता है तो वही रीज़न हो सकता है या तो उसका सेल ठीक नहीं है या फिर टेस्टर ठीक नहीं है या फिर बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज वेद द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट आप को मतलब आप याद है कि बल्ब क्यों ग्लो हुआ था जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गैस हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या होता है कि जब बल्ब जो है वो चलता है तो उसमें से वो गर्म भी हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें एक हीटिंग का गर्म करने वाला भी इफेक्ट होता है हाउ एवर इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक द फिलेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशियंटली एंड इट डज़ नॉट ग्लो तो करंट अगर बहुत ज़्यादा वीक होता है ना तो फ़िलामेंट कई बार क्या होता है इतना हीट ही नहीं हो पाता कि बल्ब ग्लो कर सके एंड वाई द करंट वीक है करंट वीक क्यों है क्योंकि जो कंडक्टर जिसमें से वो पास हो रहा है हो सकता है वो अच्छा ना हो वेल well, दो मटीरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्टेड इजिली एज अ मेटल तो हो सकता है कुछ चीजें कुछ मेटल ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही निकल रही है और कुछ चीजें या फिर कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं करती है एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का जो सर्किट है वो सही हो मगर उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो वीक हो मतलब करंट फ्लो अच्छे से ना कर रहा होगा करंट फ्लो अच्छे से नहीं कर रहा होगा ना आपका ये जो सर्किट है आपने ये बनाया है इसमें से करंट भले ही अच्छे से फ्लो कर रहा हो बट कई बार आपका जो कंडक्टर होता है ना वो वीक होता है मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है वो अच्छे से नहीं हो रही होती है तो हीट बिनी इफेक्ट मतलब हीटिंग इफेक्ट भी नहीं आता कुछ गरम भी नहीं होता बल्ब और ना ही बल्ब जलता है तो टेस्ट ठीक होना चाहिए कंडक्टिंग इफेक्ट अच्छा होना चाहिए तभी जो है बैटरी सेल वगैरह सही होने चाहिए तभी कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएगी किसी सर्किट में से वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इफेक्ट तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है वो कंपास की नीडल को हिला देता है इवन इफ द करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हेल्प से भी हम लोग टेस्टर बना सकते हैं तो ये देखो जो एल हैं इसके बल्ब जो है बल्ब वो सब भी जल जाते हैं अगर इसमें से करंट हम लोग पास करवाते हैं तो तो देखो यू मे यूज़ एल ठीक है आप फिगर फोर्टीन पॉइंट थ्री ये वाली जो थी इस फिगर में 14.2, 14.3 इसमें आप लोग एल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एल ई डी ग्लोव इवन वैन द वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इट क्योंकि एल बहुत ही हल्का सा भी वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा तब भी एल जो है वो ग्लो हो जाएगी देर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच टू द एल ई डी में दो वायर होते हैं जिसको हम लोग लीड कहते हैं वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर एक लीड जो है वो दूसरे से थोड़ी सी लंबी होती है रिमेंबर दैट वाई कनेक्टिंग टू सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल तो एक लीड छोटी होती है और एक लीड लंबी मतलब एक लंबी लीड होती है एक छोटी लीड होती है जो कि एलईडी में होती है तो लंबी वाली लीड पॉजिटिव टर्मिनल दो टर्मिनल होते हैं ना बैटरी में आप लोग देख लेना सैन में एक तरफ पॉजिटिव का बना होता है पॉजिटिव का साइन और एक तरफ निगेटिव का साइन होता है तो लंबी वाली जो है वो पॉजिटिव वाले से होनी चाहिए और जो छोटी वाली है वो निगेटिव वाले टर्मिनल से होनी चाहिए कनेक्टेड उस बैटरी के ठीक है तो ये हमें एलईडी के बारे में बताया गया है फिर एक और टेस्टर है ये हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को टेस्ट कर रहे हैं इसमें बेसिकली हम लोग को Uh, क्या है हाँ देखो इसमें जैसे कि टेबल था कि जो ये लेमन जूस होता है ना ये काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोगों ने टेस्ट किया था इससे पहले अब ये वाला जो आंसर है ना इसका कि क्या कंडक्ट करेगा तो ये लेमन जूस जो है वो येस लेमन जूस जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और जब लेमन जूस में से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पास करवाएंगे तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा अब एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट थ्री जो है टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार मैच बॉक्स तो मैच बॉक्स जो है मैचिस का डब्बा होता है ना उसमें से जो मैचिस खत्म हो जाती है तो डब्बा बच जाता है वो ले लो रैप

एक जो टुकड़ा बचा है उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो लीव द अदर एंड फ्री और दूसरा एंड फ्री आप छोड़ दो एक तो आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और दूसरा वाला आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी ठीक है दूसरा वायर का पीस लो और फिर तो उसको दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दो जैसे इस फिगर में दिखा रहे तो क्या है टेक अनदर पीस ऑफ वायर एक और वायर ले लिया और वो दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जॉइन द फ्री एंड ऑफ टू वायर मतलब देखो आ, एक एक ये था एक, एक डब्बा ये था और सपोज करो एक एक डब्बा ये था ऐसे करके इस डब दब, एक डब्बे के एक साइड को तो आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक साइड खाली छोड़ दिया इसी तरीके से एक और था इसका एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक जो खाली छोड़े थे ना दोनों दोनों इन दोनों के उनको आपस में जोड़ दिया ठीक है जो खाली खाली छोड़े थे उनको आपस में जोड़ दिया जॉइन द फ्री एंड ऑफ टू वायर्स मोमेंटेली मतलब बिल्कुल हल्की सी देर के लिए आप जो फ्री एंड थे उनको ज्वाइन कर दोगे द कंपोनेंट द कंपस नीडल शोज डिफ्लेक्शन तो कंपस में जो नीडल है ना जैसे ही जो फ्री एंड इनको आप जोड़ दोगे मतलब एक इसका फ्री एंड इधर से था और एक दूसरे वाला डब्बा था उसका फ्री एंड था तो जैसे ही इनको आप लोग जोड़ोगे तो हल्की सी डिफ्लेक्शन जो है वो शो होगी यो टेस्टर विद टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी तो टेस्टर जिसके दो फ्री एंड्स है वो आपका रेडी हो गया है ये आ, रिपीट जो है करो एक्सेस ये वाली एक्टिविटी फोर्टीन पॉइंट टू इसी टेस्टर से मतलब ये फोर्टीन पॉइंट फोर थी और ये फोरटीन पॉइंट टू वाली ये वाली एक्टिविटी करी थी ना इसमें टेस्टर की जगह जो ये मैग्नेट वाला टेस्टर हमने बनाया है इससे आप लोग इसको रिपीट करेंगे तो भी आप लोगों को डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखेगा ठीक है टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस मतलब ये वाला हमने ऐसे करा था इस मैग्नेट से और बैटरी से अब इसको हम लोग आ, मैगनेट वाले को यहाँ पर लगा देंगे बल्ब की जगह यहाँ पे मैग्नेट लगा देंगे तो हम लोग देखेंगे कि डिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर आप अलग अलग वेजिटेबल ऑयल या दूध से या पानी से इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से आप लोग लेमन जूस की जगह नॉर्मल पानी ले लो फिर वहाँ पे दूध ले लो विनेगर ले लो अलग अलग तरीके के आप लोग एक्टिविटीज़ करेंगे फिर आप लोग को रिजल्ट नोट करना है इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शो रिफ्लेक्शन और नॉट फिर हर केस में आप लोग यहाँ पर आप लोगों ने सपोज़ करो एक बार वो लेमन वाटर वाला लगा दिया है फिर एक बार सपोज़ करो आप लोगों ने नॉर्मल पानी लगा दिया एक बार विनेगर लगा दिया एक बार दूध लगा दिया तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप लोगों को ऑब्जर्व करके टेबल फिल करनी है आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा और अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये वाली जो टेबल है पूरी की पूरी फिल करके आपको बताऊँगी किस तरीके से ये हो रहा है ठीक है तो फोर्टीन पॉइंट वन जो टेबल था उसमें वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल सम आर पुअर कंडक्टर तो मतलब लिक्विड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं ये तो हमारा हो गया बट क्या है कि कुछ जो हैं कुछ लिक्विड तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करते हैं और कुछ लिक्विड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करते हैं तो देखो अब यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है हमें वेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देर इज एयर गैप बिटवीन दैम जब फ्री एंड जो है टेस्टर के वो एक दूसरे को टच नहीं करते तो उनके बीच में हवा का गैप होता है पहेली नोज दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती है अगर हवा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा गुड कंडक्टर होता ना तो हमें तो हर समय करंट लगता रहता ठीक है तो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट शी हैज़ ऑल्सो रेड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर बट उसने ये भी पढ़ा है कि जब लाइटनिंग बिजली कड़कती है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है हवा में से शी वंडर्स इफ एयर इज अ पुअर कंडक्टर अंडर और कंडीशन तो पहली सोचती है कि हर कंडीशन में एयर जो है पुअर कंडक्टर होती है देखो जब बारिश हो रही जब बिजली कड़क रही होती है ना तो हमारे आसमान में हवा में मॉइस्चर होता है पानी होता है जो कि कंडक्टर की तरह काम कर जाता है दिस मेक्स बूजो आस वेदर अदर मटीरियल क्लासिफाइड एस पुअर कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टिन कंडीशन तो देखो कोई हम जिनको कहते हैं कि भाई ये तो पुअर कंडक्टर है बट कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि वो पुअर कंडक्टर्स भी जो होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के वो कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी अपने आप से अपने अंदर से पास करवा सकते हैं देखो एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटीरियल कैन कंडक्ट कुछ कुछ कंडीशन के साथ साथ ज्यादातर मटीरियल जो हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं ठीक है दिस इज वाई इट इज प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटीरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंगर एज इंसुलेटर तो देखो मतलब कुछ अगर मान लो सपोज करो लकड़ी गीली है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है इसलिए ऐसा कहते हैं कि आप कंडक्टर या इंसुलेटर मत कहो इंसुलेटर का मतलब है वो कंडक्ट कर ही नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी बट कुछ सर्टेन कंडीशन में कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है तो इसलिए हम लोगों को हर चीज़ को जो क्लासीफाई करना चाहिए ना वो गुड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर के तौर पर करना चाहिए ताकि हम अवेयर रहें चीज़ों से वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू टैप वाटर लेटस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिस्टल्ड वाटर तो टैप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है नहीं होती बहुत ही लाइटली होती है और डिस्टल वाटर में काफी शर्थ. अच्छे से हो जाए तो इसका हमें टेस्ट इसमें बताया गया है तो टेक टू टीब टेबल स्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल वाटर जो आरओ वाला पानी होता है बेसिकली उसको एक कप में आप लोग ले लो डिस्टिल वाटर आप साइंस लैब से नहीं ले सकते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से मतलब और वाला भी ऐसा डिस्टिल भी होता स्टोर होते हैं जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह वो अलग से ही आते हैं डिस्टल वाटर वहाँ पे पैकेट्स में यूज़ द टेस्ट टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट क्या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा वट डू यू फाइंड डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नाउट डिजॉल्व पंच ऑफ कॉमन सॉल्ट तो देखो जो बिल्कुल वो होता है ना डिस्टिल्ड वाटर एकदम बिल्कुल सही वैसा पानी होता है जिसमें कोई आयन्स नहीं होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में दिक्कत करता है नहीं कर पाता और अगर आप उसमें नमक डाल दोगे ना तो उसमें आयन्स आ जाएंगे आयन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फिर कंडक्ट हो जाएगी तो वैन सॉल्ट वाटर इज डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑप्टेन सोल्ट सोल्यूशन दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो भाई सॉल्ट है पानी में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा बट जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता द वॉटर दैट वी गेट फ्राम द सोसेज सच ए स्टैप हैंडप वेल एंड पोंड इज नॉट प्योर तो जो हम लोग टंकी से हैंडपम्प से पोंड से वो प्योर नहीं होता इट मे कंटेन सेवर सॉल्ट डिजोल्व इन इट उस पानी में ना कुछ सॉल्ट डिस होता है और जब भी किसी चीज में सॉल्ट होंगे ना प्रेजेंट तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर कर जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट्स मिनरल सॉल्ट जो है नेचुरली प्रेजेंट होते हैं पानी में दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे बी शायद थोड़ी देर पहले मैंने कह दिया था डिस्टिल्ड वाटर अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो मे बी है ना गलती से पता नहीं शायद बोल दिया तो ध्यान रखो कि जो सॉल्ट वाटर होता है ना सॉल्ट वाटर या फिर आप लोग कह सकते हैं टैप वाटर जो होता है जो पौंड का पानी होता है ठीक है ये सारे के सारे क्या होते हैं गुड कंडक्टर ठीक है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ठीक है डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर डिस्टिल्ड वाटर जो है वो क्या होता है वो होता है पुअर कंडक्टर डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉटर ने बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ तो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ नेचुरल जो सॉल्ट होते हैं नेचुरल सॉल्ट हमारे पानी में होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं ठीक है थीके? और वही पानी गुड कंडक्टर भी होता है सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अपलायंस विद वेट हैंड्स और वाइज स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर तो गीले फ्लोर पे जब हम खड़े होते हैं या फिर हमारे हाथ गीले होते हैं तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि तब हम गुड कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पानी की वजह से वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट वेन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट अ गुड कंडक्टर वट आर द अदर सब्सटेंस विच वेन डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट कंडक्टिंग लेटस वाइन तो मतलब और अगर हम लोग वाटर में और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो गुड कंडक्टर बन जाएगा तो ये जो आगे का ये वाला जो पार्ट है ना वीडियो का ये हम लोग नेक्स्ट में देखें आ, ये वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नहीं आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में